जो आपके ट्रक वाले हैं, जो आपके मिनी बसेस वाले हैं, यू नो ऑल ऑफ दीज पीपल, दीज रिक्शा ड्राइवर्स, दे आर प्रॉब्ली द हार्डेस्ट वर्किंग कम्युनिटी वी हैव इन पाकिस्तान, एंड दे आर सो क्रिटिकल टू अवर कंट्री के कल को कोई हड़ताल हो जाए और स्ट्राइक हो जाए और ये सब लोग बंद कर दें तो आपका पूरा मुल्क रुक जाता है. सो इट्स दैट इम्पॉर्टेंस यू नो दीज पीपल होल्ड इन अवर कंट्री, एंड आई थॉट यू नो ये आर दे आर ऑल्सो वेरी अंडर अप्रिशिएटेड. आप देख लें, लोग बस में घुसते हैं, बैठते हैं, दूसरी जगह पे उतर जाते हैं, वो ड्राइवर को सलाम तक नहीं करते. You know, they don't even acknowledge के जो बस चला रहा है या जो ट्रक चला रहा है या रिक्शा चला रहा है वो भी एक इंसान है. मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं प्रोफेशनली मोटरसाइकिल रेसिंग करता हूँ. पाकिस्तान में मैं ओरिजिनली कराची से हूँ, लेकिन मैं काफ़ी अर्से अपनी ज़िंदगी का शुरू के बचपन के दिन जैसे इवन सऊदी अरब में गुजारे. काफ़ी छोटी उम्र में ही बाइक चलाता था, लेकिन वो छोटी जो डर्ट बाइक्स होती हैं और वो वाली बाइक्स ज़्यादा चलाता था. लेकिन फिर होते होते इवेंचुअली आई गॉट ऑन टू द बिगर बाइक्स, सुपर बाइक्स हो गई, हैवी बाइक्स हो गई, सुपर स्पोर्ट बाइक्स हो गई. उसके बाद फिर मैं दुबई मूव हो गया था और अब मैं दुबई में रहता हूँ फिलहाल. यहाँ पे एक ट्रैक है दुबई ऑटोड्रोम विच इज़ प्रीटी क्लोज टू माई प्लेस, सो आई हैव बीन राइडिंग ओवर देयर सिंस इयर्स नाउ. इवेंचुअली जो है आई स्टार्टेड रेसिंग. रेसिंग के लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है और वो लाइसेंस जो है आपको लेने के लिए काफ़ी अर्सा ट्रैक पर बाइक चलानी पड़ती है, बिकॉज देर आर फ्यू रिक्वायरमेंट्स दैट यू नीड टू यू नो सॉर्ट ऑफ फुलफिल टू बी एबल टू गेट अ रेस लाइसेंस. आपको जब ट्रैक के ऊपर रेस करनी होती है किसी भी मुल्क में पूरी दुनिया के अंदर, तो आपको उसके लिए एक स्पेशल लाइसेंस चाहिए होता है जो कि FIM इशू करता है. FIM जो लाइसेंस इशू करता है दैट अलाउज यू टू रेस ऑन एनी ऑफ द FIM सैंक्शन रेसेस किसी भी ट्रैक पे जो होती है. उस लाइसेंस को लेने के लिए आपके तीन बेसिक टेस्ट होते हैं. आपका पहला टेस्ट जो होता है दैट इज अ थ्योरी टेस्ट. सो थ्योरी टेस्ट के अंदर दे आस्क यू थिंग्स लाइक डू यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैक एटिकेट्स, कौन से फ्लैग का क्या मतलब होता है, हाउ डू यू बिहेव ऑन अ ट्रैक एक्सेट्रा. सो इट्स जस्ट बेसिक जनरल नॉलेज अबाउट द ट्रैक. दूसरा टेस्ट जो होता है विच इज अ मोर इम्पोर्टेंट वन, इट्स द ऑन ट्रैक असेसमेंट. तो उसके अंदर एक कोच होता है विच इज बाय एन FIM कोच ऑल्सो. वो आपके साथ ट्रैक पे जाता है एंड ही असेसेस के हाउ फास्ट यू आर, हाउ कंसिस्टेंट यू आर, हाउ सेफ यू आर. क्योंकि जब आप रेस, एक चीज होती है बाइक नॉर्मल चलाना है, एक होता है आप नॉर्मल ट्रैक डे पे चलाना. रेसिंग इज वेरी डिफरेंट टू दिस, क्योंकि रेसिंग के अंदर आप 200-300 की स्पीड पे होते हैं और आपके बिल्कुल बराबर एक और बाइक होती है, लाइक यू आर टचिंग शोल्डर्स एंड यू आर रबिंग. सो यू नीड टू बी वेरी कंफर्टेबल इन अ सिनेरियो कि व्हेन यू आर गेटिंग इनटू अ कॉर्नर एंड देयर इज अनदर बाइक्स व्हील ओवर हियर, सो दे चेक स्टफ लाइक दिस, हाउ कंफर्टेबल विद यू आर विद दीस थिंग्स. सो वंस यू पास योर रेस लाइसेंस टेस्ट, देन यू गो फॉर अ मेडिकल टेस्ट, एंड दैट मेडिकल टेस्ट दे चेक योर फिटनेस, दे चेक योर आई साइट, ऑल ऑफ द बेसिक थिंग्स कि यू आर सेफ and you're ready to race, koi aur masla to nahi hai health ka. So I got all of this done and alhamdulillah turns out that I'm the first and only Pakistani in the world at the moment with the FIM race license international. So it's a moment, and that moment for me was a very proud moment. I was very happy that I am you know sort of the first Pakistani to do that. Is a sport ke andar injuries kafi hoti hain. It is a very high risk sport, so I'll be very honest. Unlike you know other sports like aap cricket le lein ya you know running le lein ya football le lein, this sport is a lot more riskier when it comes to injuries. Kyunki for example you know aap on a normal practice session you can break your legs and you can break your arms and stuff, so it does get a bit risky. The good part to this is ke obviously hum log jab bhi bike pe baithte hain there are certain you know sort of rules and regulations that we follow, ki aapka helmet, your race protection suits, in the background you can see some of my race suits as well. So these are some things that really really help you and protect you as well. Kafi rare occasion hota hai kisi sport ke andar you know kuch massively severe injury ho, but choti moti injuries jo hain wo hoti rehti hain. So I've had tons of injuries. My worst injury probably was मेरे रेस सीजन, मेरा पहले एवर रेस सीजन से पहले आई थिंक एक या दो हफ्ते थे पहली रेस के अंदर, एंड आई वाज ऑन अ प्रैक्टिस सेशन एंड आई क्रैश्ड एंड आई ब्रोक बोथ माय नीज. तो उसकी वजह से मैं एक साल तक बाइक नहीं चला सका था, बिकॉज ऑब्वियसली रिकवरी विद ब्रोकन नीज इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज. तो वो, लेकिन अब तक सो फार आई हैव 22 डिफरेंट ब्रोकन बोन्स इन माय बॉडी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट ऑल रिकवर्स ओवर टाइम. तो ये है कि इन दिस स्पोर्ट यू नीड टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग एंड रियली एड्स विद योर रिकवरी. हम लोगों का ये नहीं होता कि हड्डी टूट गई तो यार अब वो 3 महीने बैठे रहेंगे, बाइक नहीं चलाएंगे. इंस्टेड वी विल ट्राई एंड बी ऑन द बाइक एज सून एज वी कैन. सो आई हैव रेस्ड विद क्रैक यू नो सॉर्ट ऑफ एल्बो, क्रैक फिंगर्स, ब्रोकन हेड.
it is what it is. You know, you can't stay off the bike for too long. But agar track ke upar there are 17 or 18 corners on a layout, aur aap corner number 5 pe crash kiya hai where you have injured yourself. If you don't go out on the circuit as soon as possible on that same corner at the same speed, वो एक खौफ आपके दिमाग में बैठ जाता है एंड टू गेट ओवर दैट फियर इज वेरी हार्ड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज ट्राई कि जैसे ही क्रैश हुआ है एज सून एज वी कैन वी विल गो बैक एंड वी विल ट्राई एंड कम आउट एंड डू द एग्जैक्ट सेम थिंग ऑन द एग्जैक्ट सेम कॉर्नर ताकि वो खौफ ना बैठे दिमाग के अंदर मैं कुछ माह पहले पाकिस्तान में था मुझे बुलाया गया था पाकिस्तान में थोड़ी कॉन्वर्सेशंस थी अराउंड बिल्डिंग अ ट्रैक इन पाकिस्तान तो आई यू नो thankfully got to visit a lot of different cities in Pakistan. I was very happy. Aur main just you know sort of shehar mein jata tha wahan ke log mujhe ye bolte the ki ha you know Lahore ka ye acha hai Karachi ka ye ek speciality hai Sialkot ki speciality and which is very great to see and very unique for each of the cities but one of the things that I saw that cuts across the entire Pakistan which was very uniform was truck art aapka jo trucks ke upar art hai jo you know mini buses ke upar art hai ye ek constant tha har jagah same time this is not a city specific but this is a country specific thing so I was like you know this is really really cool and plus I also noticed ke jo aapke truck wale hain jo aapke mini buses wale hain you know all of these people these rickshaw drivers they are probably the hardest working community we have in Pakistan and they are so critical to our country ke kal ko koi hartal ho jaye or strike ho jaye aur ye sab log band kar de to aapka pura mulk ruk jata hai so it's that importance you know these people hold in our country and I thought you know yeah they are also very underappreciated aap dekh le log bus mein ghuste hain baithte hain dusri jagah pe utar jate hain wo driver ko salaam tak nahi karte you know they don't even acknowledge ke jo bus chala raha hai ya jo truck chala raha hai aur rickshaw chala raha hai wo bhi ek insaan hai and how important is it how many times is it ke kisi ne usko rok ke sabhi pucha ke assalam alaikum bhai kya haal chaal hai kaisa tha aapka din not a very small question to ask so I just wanted to highlight and through this I was like ki chalo you know these are few things that sort of you know collectively take all the boxes cake it's a very unique design from pakistan jo ki main apni bike pe laga sakta hu to puri duniya mein jitne bhi log mujhse milte hain everyone at the track they will get to see something unique out of pakistan pakistan ke andar ek designer hai my team is there and her name is ruha so jo meri agency hai khel chel they helped me design the whole sort of you know livery for the bike and the suit and the helmet to wahan design hua tha uske baad jo mera suit hai wo Sialkot mein bana tha so and it's a company called mask they are pakistan they sponsor me so they created my suit with all the truck art jo design on the bike wo design yahan dubai mein aaya tha there's a company that does all the wraps for my bike jo hamari puri bike ki races ke design hote hain to unhone pura wo design bike ke upar piece by piece it was one of the toughest designs that they have done kyunki wo काफी एक आर्टिकुलेट चीजें छोटी छोटी जगहों पे लगती हैं तो उन्होंने पूरा किया हेलमेट का डिजाइन भी यहीं पे हुआ था तो देन ऑल ऑफ दैट केम अबाउट सो फ्रॉम द मोमेंट आई थॉट ऑफ दिस आइडिया अंटिल द मोमेंट इट वाज डन इट वाज ऑलमोस्ट 3 मंथ्स दैट इट टुक अस टू गेट इट अप एंड डन पाकिस्तान में लोगों के पास माशाल्लाह बाइक्स भी हैं पाकिस्तान में लोगों के पास गाड़ियां भी हैं लेकिन उनके पास कोई जगह नहीं है चलाने की तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही है लोगों के अंदर और वो राइटली सो क्योंकि अगर किसी ने यू नो 30 लाख 40 लाख 50 लाख की बाइक ली है और पाकिस्तान में है पाकिस्तान में करोड़ रुपए की भी बाइक है उनके पास चलाने की जगह नहीं है वो हाईवे पे उनको एक्सप्रेस वे पे अलाउड नहीं है सिटी में जाते हैं पुलिस वाले तंग करते हैं रोडों के ऊपर ऑब्वियसली आपको पता है किस तरीके का ट्रैफिक है वो चला भी नहीं सकते इट्स अनसेफ एंड फॉर कार्स एज वेल पाकिस्तान में लोगों के पास लैम्बोर्गिनीज हैं फेरारीज हैं तो ट्रैक नहीं है कभी तो मैं पाकिस्तान गया था पिछले आई थिंक जनवरी दिसंबर में पाकिस्तान गया था वो यही था आई जस्ट मेट अ फ्यू पीपल कि भाई देखें यू नो ट्रैक होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फैक्ट कि यू नो इट्स पैशन कि जी पैशन है तो ट्रैक बनाए थे नहीं इट्स अ बिजनेस एवेन्यू इट विल जनरेट अ लॉट ऑफ इनकम फॉर हूएवर गेट्स इनटू इट इट विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ टूरिज्म टू द कंट्री सो पीपल नीड टू स्टॉप लुकिंग इट एट अ ट्रैक एज कि यार ये सिर्फ यू नो खेल के लिए है और यू नो तफरी के लिए नहीं है It's actually just anything as big as another business. So whoever is interested in these things, they need to start looking at it from that perspective. क्या आप ट्रैक से पैसा भी बना सकते हैं मुल्क को भी यू नो यू कैन प्रोजेक्ट पाकिस्तान ऑन द इंटरनेशनल मैप तो काफी सारे लोगों से मेरी बात हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था देर आर अ कपल ऑफ थिंग्स दैट्स बीइंग वर्क्ड एट बट आपको पता है कोविड की वजह से एवरीथिंग सो स्लो एट द मोमेंट गवर्नमेंट के लिहाज से ये है कि केपीके के अंदर एक ट्रैक का प्लान है जो कि काफ़ी अर्से आई थिंक 7 या 8 महीने पहले रिलीज भी हुआ था उसके अंदर सिर्फ मसला एक छोटा सा ये था कि यू नो इट्स आई थिंक दे आर पुटिंग 100 मिलियन रुपीज बिहाइंड इट व्हिच इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी द ओनली प्रॉब्लम दैट इट वाज कि जो उसका लेआउट है उस ट्रैक का इट्स नॉट
a layout where you can run races or anything, but that's fine because they obviously, whoever designed the track does not really have experience with the international track, so it's okay. That's why I'm here to help. Somebody's hearing me, somebody's hearing this interview that knows somebody in the government. I'm more than happy to, you know, provide my experience, whatever support I can, to build a racing track in Pakistan. The Super Stock Championships, the Super Sport Championships. I've done some couple of local championships as well. Abhi is saal ka irada tha ki we'll go to Spain and we'll do a race season over there. So I was supposed to be in Spain racing in March. Lekin unfortunately, because of COVID, that's been delayed as well. So I'm just waiting for my new race dates to come in. Jab wo aajengi to Spanish Championship ka bhi hamara trip hoga. Uske baad I'm just trying to get into endurance racing as well, where we do 24 hours of racing and 12 hours of racing as well, non-stop. So that's something on the cards towards the end of this year as well. Pakistan mere liye means everything. Log mujhse ye bhi puchte hain ki yaar aap Pakistan ke bare mein itna baat karte hain, sab kuch hai, lekin aap Pakistan mein rehte nahi. मैं पाकिस्तान में इसलिए नहीं रहता हूँ कि पाकिस्तान में फिलहाल ट्रैक नहीं है. अगर मैं भी पाकिस्तान में आके रहने लगा तो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में है इंटरनेशनल ट्रैक्स के ऊपर किस तरीके से किया जाएगा. सो दैट्स व्हाई आई एम इन द अदर कंट्री. दैट डजंट मीन कि आई डोंट लव पाकिस्तान. आई लव पाकिस्तान. मैं जहां भी होता हूँ पाकिस्तान का झंडा हमेशा मेरे साथ होता है. मेरे हर सूट के ऊपर पाकिस्तान का झंडा है, मेरी बाइक के ऊपर. और दैट्स द रीजन दैट आई एम देयर, ताकि आई कैन प्रेजेंट पाकिस्तान टू अदर कंट्रीज, अदर पीपल, एंड यू नो पोर्ट्रे अ गुड पिक्चर ऑफ पाकिस्तान. के whatever you see in media is very different than what the reality is. Inshallah, mera ek, you know, one of my personal dreams is ke Pakistan ke andar ek full fledged racing track ho, and I want to do the first ever lap on that track, you know, with all the Pakistani boys out there.